अगर मुझको इतना पैसा मिल जाता तब गरीब वालों को मैं ये शेर सुनाता आपको, रिहाई का कभी जिल्लत से परवाना नहीं लूंगा, हवा पीता रहूंगा हर घड़ी ताना नहीं लूंगा, अरे सबों के पास जो कुछ है अगर मुझको अता कर दे कसम खा के मैं कहता हूँ कि नजराना नहीं लूंगा। सबों के पास जो कुछ है, सबों के पास जो कुछ है अगर मुझको अता कर दे कसम मैं खा के कहता हूँ कि नजराना नहीं लूंगा। अगर आप हजरात नहीं बोलिएगा तो शेर पढ़ देंगे। एक आदमी बैठा हुआ था मजमा में तो एक शायर कह रहा था, जब कोई नहीं बोल रहे थे तो एक शेर शायर ने एक शेर पढ़ा कि तुम्हारे दर पे आया है सवाली या रसूल अल्लाह, अभी तक नहीं आए हैं, मैं देख रहा हूँ हजरत कब मुझको नवाजेंगे। तुम्हारे दर पे आया है सवाली या रसूल अल्लाह, हमारे घर में लोटा है न थाली या रसूल अल्लाह, हमारे घर में दुबली सी और छोटी सी बकरी थी किसी कमबख्त ने वो भी चुरा ली या रसूल अल्लाह, हमारे घर में, अरे माशाल्लाह क्या कहना जिंदाबाद। ये देखिए उधर से 100 का नोट नहीं आया लेकिन घर से आ गया, क्या कहना। ये देखिए हमारे उलमा नवाज है जिंदाबाद, क्या कहना माशाल्लाह, है ना। जरा वापस से कहिए ना सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ या रसूल अल्लाह। अभी पियाज नवाज साहेबान शेर पढ़ रहे थे ख्वाजा पाक के हवाले से, कसम खुदा की मैं एक शेर सुनाता हूँ, लेकिन हमारे जो नईमुल हुदा सरकार नईमुल्लत साहब के ड्राइवर साहब जो है वो उधर बैठे हुए हैं, क्या अगर वो चारों लोग इधर चलाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई एलर्जी तो नहीं होगी, आप कोई तकलीफ तो नहीं होगा। हाँ वो देखिए पैर दिखा रहे हैं, मैं इधर से पैर दिखा रहा हूँ, है ना, है ना, जैसे आप है वैसा ही मैं हूँ, है ना। एक क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना पे चचा आपके तरफ से शेर है, आप मुझको पैर दिखा रहे, मैं भी आपको पैर दिखा रहा हूँ, सुनिए। क्या 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 हाल पूछते हो मेरे कारोबार का तैयार, आईना बेचता हूँ मैं अंधों की शहर में, मेरे कारोबार का आईना बेचता हूँ अंधों की शहर में, अरे छू लिया किसी फनकार के हाथों में उसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह और वापस या रसूल अल्लाह। एक शेर ख्वाजा पाक के हवाले से शायर मुल्के हिंदुस्तान जनाब इम्तियाज नवाज, जो अभी आप हजरात को तबकरी की सरजमी से अजमेर मुअल्ला अजमेर मुकद्दसा की ज्यारत कराते, शेर सुने इंशाल्लाह मचल जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा वापस से कहिए या रसूल अल्लाह। बदल डाले तयारे कुफ्र के दस्तूर खा जाने, जरा बोले अल्लाह के सुभान अल्लाह, है ना। बदल डाले तयारे कुफ्र के दस्तूर खा जाने, मैं शेर भूल गया, मैं शेर भूल गया, आप बोलिएगा तो शेर जैन से याद आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं शेर भूल जाता हूँ, कम से कम आप सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए वापस से या रसूल अल्लाह। बदल डाले तयारे कुफ्र के दस्तूर खा जाने, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, वरना शेर पढ़ दूंगा कि जमी को छोड़कर तिरपाल में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि पिंडाल में बैठे हैं, अरे सुभान अल्लाह कहते भी नहीं शेर सुनकर, ऐसा लगता है कि भूख हड़ताल में बैठे हैं। माशाल्लाह भूख हड़ताल में नहीं बैठे हैं, आप रात से राधे मिलत कॉन्फ्रेंस बैठे माशाल्लाह। ये देखिए हमारे शमशाद भाई बहुत अच्छी इनकी अच्छी निजामत होती है, बाइक भी एमटी है ना, जरा बातों से कहिए या रसूल अल्लाह। बदल डाले तयारे कुफ्र के दस्तूर खाजा ने, निभाया हिंद में इंसानियत का नूर खाजा ने, और अभी तक गुम होके रह गया होता आना सागर, अब तक गुम होके रह गया होता आना सागर, अरे कासे में लेकर कर दिया मशहूर खाजा ने, अब तक गुम होके रह गया होता आना सागर। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे नईमुल हुदा सरकार से राज मिल्लत की एक खादिम है,
अब तक किसी की शख्सियत नहीं जो 15-30 साल से नई में मिलना सरकार के खादिम है। ये हजरत हाफिज वकारी शमशाद साहब किला की जात है, है ना। जब बात आ गई है सरकार से राजे मिल्लत की, तो जो हजरत सरकार से राजे मिल्लत और नई में मिल्लत से मोहब्बत करते हैं वो हाथों को फजा में लहरा कर दे या हुसैन, माशाल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पहले दिन पर हजरत मोहब्बतों का सिला बे हिसाब देते हैं। सरकार से मोहब्बत करते हैं अपने भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सिला बे हिसाब देते हैं, नबी के शहर से लाकर गुलाब देते हैं, नबी के शहर से लाकर गुलाब देते हैं। और सरकार से राजे मिल्लत की जो शहदाई है, कसम खुदा की मचल जाएंगे। चूंकि मैं शेर ही ऐसा पढ़ रहा हूँ ना, इस शेर को मैं पढ़ाता लखनऊ में तो बहुत काफी लोग दांत भी दिए थे और नोट भी दिए थे, माशाल्लाह ना। आप सुना तेरा मोहब्बत कही या रसूल अल्लाह, मोहब्बतों का सिला बेहिसाब देते हैं, नबी के शहर से लाकर गुलाब देते हैं। और सलाम करता है सिराजुल हुदा को जब कोई, वो अपनी कब्र से फौरन जवाब देते हैं। सलाम करता है सिराजुल हुदा को से रास्ते कट जाएंगे। इतना मत चिल्लाइए वरना फेफड़े फट जाएंगे। कम चिल्लाइए, कम चिल्लाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं जलसा पढ़ रहा हूँ आस्ताना भैसी दरबार में, है ना। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूलल्लाह। चूंकि हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ लाने वाले हैं, डरे जिक्र महबूब शब रोज करने वाले वो नहीं और किसी जोर से डरने वाले, अरे जिंदगी उनकी मजारों से मिला करती है जो है अल्लाह के हबीब पे मरने वाले। जिंदगी उनकी मजारों से मिला करती है जो है अल्लाह के हबीब पे मरने वाले। आइए हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब गुलाम मिसबाही सरजमीन पलामू प्रखंड झारखंड का इस्तेमाल, पलामू बिहार का इस्तेमाल कीजिए। उससे पहले आइए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निहाल साहब कुला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे विसाल, मसलके आला हजरत, ऐदाने हुजूर सरकार सिराजे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती निहाल साहब कुला इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। हजरत भाइये बिना ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद साहब कुला मिसबाही के इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इन चार मिसरों के साथ हजरत नाइक पे तशरीफ ला रहे हैं कि वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं की नाक की खुशबू मेरी जबान में है। अरे कहां वो बात मदीने के सब मकानों में जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है।